Hello student, how are you? I think all are fine. I am Gautam sir. आज मैं continue properties of integration की questions को कराएंगे. आप लोग practice करते रहिए और कुछ comment भी डालिएगा. मैं नया नया question daily आप लोगों का लिए YouTube में डालते रहेंगे. मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन की दो तीन रूल बताए थे, तो और एक क्वेश्चन हम आगे करने जा रहे हैं जो लास्ट क्लास में हमने बताया था. जो एक प्रॉपर्टीज बताया था माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू टू टाइम जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स इवन फंक्शन एंड इक्वल टू जीरो देन ऑड फंक्शन ओके देन ऑड फंक्शन नाउ दिस प्रॉपर्टी को हमने हेल्प लेके लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बताया था और एक क्वेश्चन जैसे कि हम आपको देना जा रहा हूं माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओके इनटू साइन टू द पावर सेवन एक्स डी एक्स साइन टू द पावर सेवन एक्स डी एक्स नाउ चेक इवन आर ऑड आई एक्सप्लेन द प्रीवियस क्लास a power minus x is equal to a power minus x is equal to minus of f x this is odd function okay this is odd function and if a power minus x is equal to positive of f x this is even function this is even function okay So now, I start the question. A power minus x is equal to sine of 7 of minus x is equal to minus sine to the power 7x you know a power minus x is equal to sine to the power 7 of minus x you know sine of minus x is equal to minus 7x minus sine x but power what is the negative aayega so this is equal to odd function What function? So we know that result is zero. Sine to the power 7x dx is equal to zero. Result is zero. Okay. Now next question. Done. Now pause करके answer को लिख लेना. अभी देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई लॉग ऑफ वन प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ओके नाउ प्रॉपर्टीज अप्लाई करें जीरो टू ए माइनस एक्स डी एक्स log of 1 plus cos of pi minus x into dx pi minus x bracket ki baar dx okay into dx you know
log of cos of pi minus x equal to what? Cos of pi minus x equal to minus cos of x. देखो आपने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, और साइन टैन कॉस ये एक रूल था, और साइन टैन कॉस, साइन जब रहेगा साइन का रिसिप्रोकल होते कोसेक, टैन का रिसिप्रोकल होते कॉट, कॉस का रिसिप्रोकल होते सेक, दैट मीन this quadrant all are positive, this quadrant may sine and cosec positive, this quadrant tan and cot positive, this quadrant cos and sec positive. इस quadrant में theta बोलते हैं, इस quadrant में लिख ले pi minus theta, ये pi plus theta, and this quadrant is 2 pi minus theta. ये format आपको याद रखो, देखो cos of pi minus x that is second quadrant, this is pi minus x, second quadrant cos क्या होता है negative, और पाई में पाई की मल्टीपल में कोई चेंज नहीं होता है, बट पाई बाई टू में होते हैं चेंज हो जाते हैं, 90 डिग्री में चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस, कॉस साइन, ओके, सो दिस इज वन माइनस कॉस एक्स. अब देखो दिस इज इन आई टेक दिस इज वन, दिस इज टू, नाउ एड वन प्लस टू, सो दैट इज आई प्लस आई इज इक्वल टू y, that is 0 to pi log of 1 plus cos x into 1 minus cos x, so that is you write 1 plus cos x, 1 plus cos of x plus log of 1 minus cos of x, okay, into dx. Now, what is the properties of log? Log of x plus log of y is equal to log of x into y. That is 2y is equal to 0 to pi log of a into b 1 plus cos x 1 minus cos x into dx. 2y is equal to 0 to pi log of a plus b, a minus b, a square minus b square into dx. 1 minus cos square x is equal to sin square x. 0 to pi log of sin square x into dx. So 2y is equal to log का रूट देखो, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, log का रूट होता है 2 0 2 pi log of sin x dx, ओके, log of sin x dx, sin x into dx, ओके, नाउ याद आप नोट करो, आप पॉज करके कर लेना. इसके बाद देखो, नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू अप्लाई द लॉग ऑफ 0 टू a फार्मूला, लॉग ऑफ पाई माइनस x sin ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल टू sin x आल्सो, सो इन दैट कंडीशन यू चेक ऑड इवन फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन, नाउ नोटेड, एवरीवन नोटेड, ओके, अदरवाइज पॉज करके लिख लेना. अब मैं आगे चलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. देखो i इज इक्वल टू दिस, i का ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट इम्पोर्टेंट है, तो टू टू कैंसिल, आई इक्वल टू 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स इनटू डीएक्स, आफ्टर दैट आई राइट द अनदर रूल 0 टू 2a
f of ax dx is equal to 2 times of 0 to a fx dx if even function or 0 to 2a fx dx is equal to 0, then odd function. ये भी प्रॉपर्टीज हो गया और फंक्शन अपने इसमें ऐसा कंडीशन पे जैसे और एक सीखा था माइनस एट पे एपेक्स डीएक्स टाइम तो जीरो पे एपेक्स डीएक्स इवन फंक्शन उस किस में उस कंडीशन में आपने इवन ऑड को चेक किया था एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता इवन एफ ऑफ माइनस इक्वल टू एफ एक्स होता था ऑड इन दैट कंडीशन में इवन ऑड को चेक करने के लिए ये मेथड होता है एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू f of 2a minus x is equal to f of x होते है this is equal to even function and if f of 2a minus x equal to minus of f x होते है that is equal to odd function इसको अच्छे से नोट कर लो ये भी प्रॉपर्टीज है जो प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे देखो इधर 0 to pi log of sin x dx आप इसको f of है ना पाई माइनस एक्स है ना एफ ऑफ पाई माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स बिकॉज आपको अभी सिखाया था ऑल साइन टैन कॉस पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव लॉग ऑफ साइन एक्स देखो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया एफ ऑफ एक्स हो गया तो दिस इज इवन फंक्शन हो गया इवन फंक्शन देखो आप इधर जब 0 टू 2a एफ एक्स डीएक्स इवन फंक्शन के लिए 2 टाइम 0 टू a 2 टाइम्स और यहां पे जो भी अपर लिमिट होते हैं उसका हाफ हो जाता है जो भी अपर लिमिट होते उसका हाफ लिखा जाता है यहाँ देखो तो फिर क्या लिखोगे ये 2 टाइम 0 टू यहाँ पे अपर लिमिट में पाई था उसकी हाफ हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स डीएक्स ओके लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स डीएक्स ये आपका मतलब कंडीशन आ गया उसके बाद फिर से मैंने अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट रूल हमने बताया था उसकी अकॉर्डिंगली हम चलेंगे देखो इसको हमने अभी रख दिया इसको इरेज नहीं करना इसको जरूरत पड़ेगा बाद में तो हमने फिर से इसका प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे कि i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 1 और 2 नेम करा था इसको 3 कर दिया तो log ऑफ sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस x ओके dx So that means 2 times of 0 to pi by 2 log of sine of pi by 2 minus x that is cos of x into dx. This is 2. Now adding this is 4, not 2, this is 4. Adding 3 and 4. Am idhar ka is side mein likhte hain. Dekho. थ्री प्लस फोर आई प्लस आई टू आई थोड़ा सा डायरेक्टली करता हूँ देखो जीरो टू पाई बाई टू लिमिट जीरो टू पाई बाई टू यहाँ देखो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ऑफ ए इंटू बी Now after that, 2 is equal to 2 times 0 to pi by 2 log of इसके अंदर थोड़ा काम करेंगे देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमेरेटर after that बैलेंस डिवाइडेड by 2 sin x cos x क्या करा 2 sin x cos x into dx after that 2 is equal to 2 times 0 to pi by 2 है ना log of sin 2 sin x cos x is equal to sin of 2x you know everyone 2 sin x cos x identity sin of 2x
by 2 into dx. Okay. Now after that, you know the rule of logarithm, log of a by b is equal to log of sine of 2x dx minus 2 times 0 to pi by 2 log of 2 dx. Okay. तो आपने log of a by b की आइडेंटिटीज को अप्लाई कर दिया. ओके. नाउ आफ्टर दैट यू ऑब्जर्व अगेन. यहां तक सबको समझ आ गया? कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज यू सेंड अ मैसेज एंड देन आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास. ओके. नाउ 2y इज इक्वल टू, ओके वेट, नाउ put 2x is equal to t. Okay, now differentiation 2dx is equal to dt and now dx is equal to dt by 2. Okay, now after that 2dx. Okay, 2dx isko dt by 2 likhne ki zarurat nahi hai, 2dx is equal to dt by 2. Now after that 2y is equal to again here y is equal to 2dx replace dt and changing the limit when you substitute x is equal to 2, x is equal to t, when x 0 to t 0, when x pi by 2 to t is equal to pi. Okay, now log of, okay, now 2x equal to t, this is sine of t into dt. Okay, 0 to pi log of sin t dt. और इसमें क्या होगा, 2 log of 2 constant है. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, दिस इज इक्वल टू लिमिट 0 टू पाई बाई 2. आफ्टर दैट 2y इज इक्वल टू, अच्छा अगेन हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था, जैसे 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन टी डी टी, इसको इवन और ऑड चेक करने के लिए, तो ये हमने खुद करके दिखाया था ना, 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन टी डी टी, 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन टी डी टी. ओके, तो इसको हमने इवन और चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा भी हमने 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन टी डी टी को आई लिया था, आई इसको हमने लिया था, आई fx into dx is equal to 0 to a ft into dt. So, आपने पहले था 0 to pi log of sin x dx, उसका वैल्यू आई था 0 to fx dx, तो 0 to pi log of sin t dt भी आई होगा, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज ये आपने साइड में लिखा करो, दैट इज 2y is equal to, इसका रिप्लेस में i लिख दिया, माइनस 2 log of 2, और इसमें वैल्यू डाल देंगे पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज पाई बाई 2. डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू को डाला जाता है ऐसा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई को उधर शिफ्ट करा, 2y माइनस आई इज इक्वल टू पाई, माइनस 2 टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई लॉग ऑफ 2. ओके, तो हमने देखो यहाँ पे ये जो हमने सॉल्व किया, ये इसके अंदर माइनस माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, दैट इज माइनस पाई लॉग ऑफ. ओके, नाउ इसको नोट करो. ओके, नोटेड. अब देखो एक और क्वेश्चन कराते हैं, एक इम्पोर्टेंट. देखो जैसे कि क्वेश्चन सामने
next derivative. So minus pi by 2 x to the power 3 plus x cos of x plus 10 to the power 5 x plus 1 into dx. Okay. अब ऐसा मैं देखो आपको एक प्रॉपर्टीज बताया था माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स को चेक करना होता है इवन और ऑड, इसमें भी हम एक एक करके चेक करेंगे. देखो ए पावर माइनस एक्स एक एक सब अलग अलग फंक्शन माइनस एक्स टू दी पावर क्यूब माइनस एक्स क्यूब दैट इज ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन का रिजल्ट जीरो. अब इसका चेक करोगे ए पावर माइनस एक्स यहाँ पे डालोगे इसमें माइनस एक्स cos of minus x cos of minus theta positive cos theta होते हैं. This is odd function क्योंकि a पर minus x आ गया ना odd function. फिर इसमें चेक करोगे a पर minus x equal to 10 to the power 5 of minus x equal to 10 of minus minus होते हैं odd power है तो minus ही आ जाएगा 10 to the power 5x. Okay, this is also odd function. अब देखो ये रह गया constant. तो constant function even function ही होते हैं. अदरवाइज आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको इंडिकेट कर देते हैं. फाइनली हमारे पास माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्या होगा डी एक्स रह गया वन इंटू डी एक्स. ओके अब डी एक्स के इंडिकेशन एक्स होते हैं और माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं टू टाइम जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स लिख सकते हैं बिकॉज इवन फंक्शन होता है कॉन्स्टेंट. अब इसके बाद लिमिट डाल दिया करो माइनस ऑफ पाई बाई टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू दैट इज पाई बाई टू टू दैट इज पाई टू पाई बाई टू टू दैट इज पाई. ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताना चाहेंगे. जैसे ये log of x प्लस वन बाई log of x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. ओके ऐसा कंडीशन में जो आप इसको ब्रैकेट ओपन करके दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन में लिख देते हैं प्लस इंटीग्रेशन वन बाई लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. आप देखो इनमें से हमने एक को हम करेंगे बाय पार्ट्स आइलेट. आपको याद होगा आइलेट मेथड और इसको कुछ ना करें. इसमें आइलेट मेथड में क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लेंगे एक मान और इसको लॉगरिथमिक फंक्शन. तो लॉगरिथमिक फंक्शन ऑलवेज क्या होता है फर्स्ट फंक्शन होगा और यहाँ पे कॉन्स्टेंट कुछ एलजेब्रिक लेके चलो पी लेके चलो बट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो है एक्स ही हो जाएगा. ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं लॉग ऑफ लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन. देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो वन इंटू डी एक्स ऑनली फॉर डी एक्स लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स और ये एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन वन बाय लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. आप इसके बाद देखो लॉग ऑफ एक्स. अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स और माइनस और लॉग ऑफ लॉग एक्स. देखो लॉग का डिफरेंशिएशन होते हैं वन बाय लॉग ऑफ वन बाय एक्स होते हैं एक्स यहाँ पे लॉग एक्स है. अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स और ये चीज जो है एज इट इज रहेगा वन बाय लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स कैंसिल
फिर से आपको बाईपास करना पड़ेगा log of x. देखो ये x रहेगा x log x. अब इसको बाईपास फिर से करोगे कैसे, x से कैंसिल, 1 by log x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया. अब मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, 1 by log x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx माने x माइनस 1 by log x का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे. तो एक आपको पता है, ध्यान रखना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x इक्वल टू माइनस 1 by x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 by x क्यूब. ये सब ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट होता है, नहीं तो फिर आप x की पावर माइनस 2 करके इसको डिफरेंशिएट करोगे, माइनस 2 x की पावर माइनस 2 माइनस 1. तो हम इस तरफ रखेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x 2 बोलेगा तो माइनस 3 by x 4, देखो यहाँ पे पावर 2 है, नीचे पावर 3 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 10. देखो यहाँ पे पावर 1 था, नीचे पावर 2 हो गया, ऊपर माइनस 1 टाइम. जैसे 1 by x 2 होगा माइनस 3 by x 4, 1 by x 4 होगा माइनस 4 by x 5. इस तरफ आप इसको करते रहिए. तो इस तरफ मेमोराइज रखना है, प्रैक्टिस करते करते होते. अब इसमें देखो फिर से हम बता रहे हैं 1 by log x का माइनस 1 by log of x होल स्क्वायर, और उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x इनटू dx ब्रैकेट क्लोज, और ये एज इट इज रहेगा, प्लस 1 by log of x होल स्क्वायर इनटू dx इंटीग्रेशन. इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिख लेना. देखो x log of x माइनस ब्रैकेट ओपन x by log of x, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 by log of x होल स्क्वायर इनटू dx, और ये जो है एज इट इज रहेगा 1 by log of x होल स्क्वायर इनटू dx. दिस टू टर्म देखो सेम है, कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, आंसर आपका यही आ गया, माइनस x, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, माइनस x log of log x माइनस x by log x. पेपर में ऐसा कैंसिल दिखाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट एक स्टेप लिख देना, इससे फिर आपको क्लीन आएगा, देखने का अच्छा लगेगा, ठीक है. और यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है, तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन में आपको प्लस सी लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस सी आप जो है, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले. एवरीवन नोटेड करो, पढ़ते रहिए, और कुछ भी कमेंट होते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी और कोई क्वेश्चन आपके पास रहते हैं उन क्वेश्चन को भी सेंड कर सकते हैं, मैं भी क्वेश्चन आपको भेज दिया करेंगे, ओके. और पूरा वीडियो को देखते रहिए, और उसके बाद आप अपना फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, जो उनको भी हेल्प मिल जाएगा, और सब्सक्राइब करिए, फिर जिससे आपको और भी आगे हमने वीडियो डालेंगे तो आपका पास भी ऑटोमेटिकली रीच होगा, ठीक है. आप वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ cot ऑफ x प्लस रूट ऑफ tan ऑफ x, ओके. देखो इसका दो मेथड है, चलो कोई भी एक ही मेथड बताते हैं हमने पहले. हम इस पे क्या करेंगे, cot को 1 by tan कर देते हैं, cot को नहीं tan को कर देते, 1 by दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, जैसे इसको 1 by cot कर दिया तो cot x plus 1, 1 by tan, tan को भी cot x हो जाएगा, ठीक है. जैसे हम इसको cot को हम लिख दिया 1 by tan, ओके.
वन बाई टेन और ये ऐसे रखा, तो इसको एलसीएम करा, ये वन प्लस टेन एक्स और ये हो गया रूट ऑफ टेन एक्स इंटू टी एक्स। अभी ऊपर जाएगा तो रूट ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा, ओके, और ये वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरा वे भी कर सकते हैं, जैसे टेन को वन बाई रूट कॉट एक्स कर दिया, ठीक है, वन बाई रूट कॉट एक्स, तो कॉट एक्स प्लस वन है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे रूट टेन एक्स, यहाँ पे होगा वन प्लस कॉट एक्स है, ठीक है, वन प्लस कॉट एक्स है। अब आपको डिपेंड करेगा जब आप इस तरह वे में आप करोगे, जैसे कॉट एक्स को टी पुट कर सकते हैं, कॉट एक्स को क्या करोगे टी, ठीक है। अदरवाइज आप हमने और मेथड से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉट एक्स को आपने टी स्क्वायर डाले को सब्स्टिट्यूट करना है, कॉटेज को टी स्क्वायर डाल दिया जाए, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस उस स्क्वायर एक्स, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी इंटू डी टी बाई डी एक्स माइनस उस स्क्वायर एक्स। सो देखो आप डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू टी डी टी बाई उस स्क्वायर एक्स, उस स्क्वायर एक्स। अब ये कोस स्क्वायर एक्स को वन प्लस कॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या होगा, कॉट की वैल्यू डाल दो डी एक्स, और कॉट एक्स इज इक्वल टू आपने लिया था टी स्क्वायर, तो ये होगा वन प्लस टी टू दी पावर फोर, वन प्लस टी टू दी पावर। तो आप देख रहे हो इनमें से हमने कॉट को रूट कॉट एक्स को वन बाई रूट टेन एक्स कर दिया एलसीएम करके, इसके बाद कॉट एक्स को हमने टी डाला। आप ये भी कर सकते थे वन बाई रूट टेन एक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे रूट टेन एक्स इंटू वन प्लस कॉट एक्स आता है, टेन एक्स को टी स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट कर सकते। यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे का करते हैं। देखो आगे में ये जो हमने सब्स्टिट्यूट किया, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इजिकल टू इंटीग्रेशन रूट कॉट एक्स को टी स्क्वायर लिया था टी, और ये वन प्लस टेन एक्स है ना, वन प्लस टेन एक्स। तो इसमें जैसे हमने टेन एक्स कॉट एक्स को टी स्क्वायर लिया था, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैसे हो टेन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब कॉट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर तो टेन एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, टेन एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन बाई कॉट एक्स, वन बाई टी स्क्वायर होना चाहिए, राइट, वन बाई टी स्क्वायर होना चाहिए। और डी एक्स की रिप्लेस में ये वैल्यू आएगा माइनस टू टी डी टी बाई वन प्लस टी टू डी पावर। उसके बाद टेक एलसीएम टी राइट स्क्वायर प्लस वन y टी स्क्वायर माइनस टू टी डी टी बाई वन प्लस टी टू दी पावर फोर। टी 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 स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर कैंसिल, अभी इसको मैं सब इरेज कर देते हैं, है ना। देखो इजिकल टू टी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस टू इंटू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी फोर प्लस वन, ओके, ये आए। अब इसके अंदर एक टेक्निक है, मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था, जब न्यूमेरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन यू डिवाइड आफ्टर दैट कोसेन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, अदरवाइज डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम यू ऑल्सो डिवाइड एंड आफ्टर दैट यू अप्लाई द रूल कोसेन प्लस रिमाइंडर माइनस टू। आप इसमें देखो
ये है 1 + 1/d² है। अब ये नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो एक आइडेंटिटीज आप याद रखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a। और एक देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बट जहां पे जो जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस में है, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तभी जाके ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ सकता है। इसको हमने देखो टी स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे डी टी लिखना नहीं भूलना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने करेंगे टी माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × t × 1/t कैंसिल। अब देखो इससे क्या होगा, ये t माइनस 1 बाई टी को u ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1। मैंने आपको बताया था 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t² प्लस 1/t² इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू। देखो न्यूमेरेटर पोर्शन आ गया डी यू, सो माइनस 2 du by u square plus 2, 2 को क्या लिखोगे √2² आप देखो ये आइडेंटिटीज हो गया 1/x² + a² की, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस, आप इसमें पहले u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे t - 1/t, फिर से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे जो हमने t को अज्यूम किया था शायद √tan x लिया था, tan x मैं कोशिश करेंगे आपको वीडियो जो है और एक एक दिन में ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका पेपर आ रहे हैं तो आप लोग अच्छे से करते रहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to π (x dx)/a² cos²x + b² sin²x, अब इसमें हमने इसको i ले लिया, अब इसके अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करो i = 0 to π, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज होते हैं π - x (dx)/a² cos²π - x + b² sin²π - x। अब देखो आपको पता है जिस पाई माइनस एक्स को हमने ऐसा रखा, अब देखो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए कोई भी हो जाएगा a² cos²x, ओके, और साइन चेंज ही होता है, कॉस कॉस ही रहेगा, और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स होते हैं, और ये b² sin²x। अब देखो इन दोनों को हमने ऐड कर दिए, जैसे 1 ले लिया इसको 2 ले लिया, तो एडिंग 1 एंड 2 एडिंग 1 एंड 2 तो 2i = ओके 0 to π। देखो x dx और दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, अब ऐसा करते हैं थोड़ा सा हमें एक स्टेप आगे कर देते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमेरेटर ऐड हो जाएगा x + π - x / a² cos²x + b² sin²x, ओके, तो 2i = 0 to π। ये देखो x से कैंसिल हो गया, तो π / a² cos²x + b² sin²x (dx) यहाँ तक करो, तो मतलब ये आपको पाई की टर्म में आ गया। अभी उसके बाद हमने कुछ और मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है।
अब इसमें देखो, ये भी एक इवन फंक्शन हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, जो 0 से 2 पाई की टर्म में है ना, इसको मैं इधर कर रहा हूँ। देखो आई इक्वल टू पाई बाई टू 0 से 5/2 डी ऑफ एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ओके, अब इसमें देखो, आप इसको इवन एंड ऑड चेक करने के लिए मैं सिखाया था, तो 0 से 2a का फॉर्मेशन होते हैं, तो इसमें देखो cos ऑफ π/2 - x sin ऑफ π/2 - x, तो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर इन रहेगा, तो इवन फंक्शन हो जाएगा ना। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, देखो f ऑफ π/2 - x इक्वल टू यहाँ पे डालोगे ना a स्क्वायर cos स्क्वायर π/2 - x b स्क्वायर साइन स्क्वायर π/2 - x cos ऑफ π/2 cos स्क्वायर ही होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अच्छा इसमें पाई था, सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे π/2 लिख दिया ना, सॉरी पाई है, लेकिन पाई में चेंज होगा तो इसका साइन कॉस भी चेंज, ये पाई में था तभी हम इसको इवन ऑड लिख सकते। देखो इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ π - x इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर π - x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर π - x। तो ये कॉस ऑफ π - x सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज कॉस ऑफ ए -cos x पर स्क्वायर, तो पॉजिटिव कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू इवन फंक्शन। ये आपको ये मैंने बता दिया, उसके बाद देखो अब मैं कर रहा हूं अभी, आई इज इक्वल टू 2 टाइम 0 से 2 पाई बाई 2 डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब ये 2 2 कैंसिल, पाई रह गया। अब इसके अंदर हमने करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, आई इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से 2 पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा, यहाँ पे देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर होगा बिकॉज कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स, राइट। अब इसमें क्या करोगे, टैन एक्स को टी पुट करा तो सेक्स स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन करोगे सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, नाउ पाई लिमिट चेंज होगा 0 पे 0 π/2 में इंफिनिटी, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, ये पी टी होल स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई a टैन इनवर्स 1 बाई a टैन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट। टैन इनवर्स एक्स माने बी टी बाई ए, अब बी टी का डिफरेंशिएशन भी करना होगा, तो बी स्क्वायर टी स्क्वायर का है ना, बी टी होल स्क्वायर, बी टी होल स्क्वायर होगा ये, तो बी टी का बी आएगा तो एक बी भी नीचे आ जाए, राइट। अब लिमिट है 0 से इनफिनिटी, आप वैल्यू डालोगे तो आई इज इक्वल टू पाई बाई ए बी, देखो टैन इनवर्स इनफिनिटी डालोगे तो पाई बाई टू, टैन इनवर्स 0 डालोगे तो पाई होगा, दैट मीन आपका आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाई टू ए बी, नोट करो ये आप करते रहो, कोई भी होगा नेक्स्ट क्लास में फिक्स में इंटीग्रेशन का और भी कंप्लीट लेकर आएंगे, कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन की
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को पीडीएफ बना के भेजेंगे, आप लोग उसको करते रहिएगा और आंसर का साथ आप भेजेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। और नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम एरिया ऑफ इंडिकेशन शुरू कर देंगे, ओके। आप लोग करिए अच्छे से प्रैक्टिस, ओके एवरीवन, बाय।